हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पटना के गुरुद्वारा को, जो कि पटना साहिब में स्थित है। तो आज हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे और पूरा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे जाना है और कैसे हम लोग इस गुरुद्वारे को घूम सकते हैं और कैसा लगता है ये। तो यहाँ हम पटना के सड़कों पर निकल चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये मीठापुर आ गए हम। और इस साइड में देख लीजिए पटना कितना विकास कर चुका है। ये देखिए, यहाँ पर पुराना बस स्टैंड हुआ करता था और जो कि अभी शिफ्ट हो गया है दूसरी तरफ, बैरिया की तरफ। और इसी रोड से सीधा हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेट्रो का भी काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। बहुत जल्दी पटना में मेट्रो भी शुरू होने वाला है। तो बस आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आपको जाना है, आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। आप जहाँ भी हो अपना लोकेशन जो है वो उसको ऑन कर लेना है और उसके बाद गूगल पे बस ये सर्च करना है, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। आपको ऊपर में ही रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 0 माइल के पास दोस्तों। आपको ऊपर में ही रिजल्ट दिखा देगा, उसके बाद आपको उसी में डायरेक्शन पे क्लिक करके आप सीधा इस रास्ते में जा सकते हो और बिल्कुल ही आसानी से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऐसे ही गया और किसी से मैंने पूछा भी नहीं और सीधा वहाँ पे पहुँच गया। यहाँ रास्ता होते हुए मैं ये शॉर्ट दिखा रहा हूँ आपको, इस रास्ते से होते हुए आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। ये देखिए, आप यहाँ पे फ्रंट व्यू यहाँ पे देख रहे हैं गुरुद्वारे की। आपको बाइक, गाड़ी या कोई भी गाड़ी आप ले जा रहे हो उसको लगाने की आपको टेंशन नहीं करनी है। हमने बाहर पूछा तो उन्होंने बताया कि अंदर गाड़ी लग जाती है। तो मैं मोटरसाइकिल से था तो मैंने यहाँ पे मोटरसाइकिल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी रास्ते से नीचे ले जाना रहता है मोटरसाइकिल। और बहुत बड़ा जो है यहाँ पे पार्किंग एरिया दिया हुआ है, इसमें मोटरसाइकिल को अपने आप पार्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सर ढकना ज़रूरी रहता है। सर ढकने के लिए आप, अगर आपके पास रुमाल है पहले से, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे 30 रुपये के करीब में रुमाल आपको मिल जाती है, उसको आपको ले लेना है। उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट में जूता जमा करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वहाँ पर जूता जमा करके आपको एक टोकन दिया जाता है, बस उस टोकन को संभाल के रखना है। उसके बाद आगे आप बढ़ोगे, बहुत ही शानदार व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही गजब तरीके से बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में आपको आके बहुत ज़्यादा आनंद यहाँ पे आएगा, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। ये पूरा जूता घर है इस साइड में, और इधर पूरे पूरे में जूता, मतलब आपका जो भी आप पहन के आते हो वो रखा जाता है। यहाँ पे आप पानी सबसे पहले देखोगे, यहाँ पे आपको पैर धो करके ही आगे फिर बढ़ना रहता है। और आगे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना शानदार यहाँ पे बनाया गया है और बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। दोस्तों इस गुरुद्वारे को गुरु गोविंद सिंह के बर्थ प्लेस के रूप में माना जाता है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे, और इसी जगह पे जो है गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर सिंह का भी आना हुआ था। उन्हीं के लिए जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने इस गुरुद्वारे को बनवाया। और दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो बहुत जगह पे गुरुद्वारे को बनवाए हुए हैं और भी। यहाँ पे अगर आप पटना आते हो दोस्तों तो इस जगह को जो है विजिट करना बिल्कुल ही अपने उसमें शामिल कर लीजिएगा कि इस जगह को आपको बिल्कुल ही विजिट करना ही करना है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। आगे जो है यहाँ पे जो मंदिर है और यहाँ यहीं पे प्रसाद मिलता है, जो जो भी दर्शन किया जाता है और भोग लगाया जाता है उनका जो प्रसाद होता है यहाँ पे मिलता है। इस साइड में जो है आपको कैमरा ले जाना अंदर में मना है, क्योंकि यहीं पे जो है पूजा वगैरह होते रहता है, यहीं पे भजन होते रहता है, और अंदर में ही पूरा वो बनाया गया है गुरु गोविंद सिंह का।
दोस्तों मैं अंदर गया था और अंदर पूरा घूमा और बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। और उसके आगे भी यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे मैं जो है दोपहर में गया था लगभग 2-3 बजे, तो उस टाइम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि गर्मी का सीज़न है और बहुत ज़्यादा धूप रहता है। उस दिन थोड़ा सा धूप कम था लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर भी अगर आप 4-5 बजे के करीब में अगर आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहता है। बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों विशेषकर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे आप आके फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हो, अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो और अच्छे से घूम सकते हो। यहाँ पे पानी वगैरह पी सकते हैं आप। और उसके बाद इस साइड से जो है वो रास्ता जाता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आगे में खाना बनता है, जो प्रसाद बनता है वो, जो कि खाना दोस्तों जो लंगर लगता है वो बिल्कुल ही फ्री में मिलता है आपको, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाता है। और देखिए कितने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे खाना बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बर्तन रखा गया है। ये बर्तन जो है धुल रही है क्योंकि अभी खाने का टाइम ऑफ हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे और पूछे कि अभी प्रसाद मिल जाएगा खाने के लिए जो लंगर, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा लेकिन टाइम ऑफ था, इसलिए बहुत कम भीड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि घूमते घूमते वो 5 बज गया था लगभग, 5:30, और जो लंगर होता है वो 7 बजे के लगभग शाम से शुरू होता है, सुबह में तो खिलाया ही जाता है। अब लंगर खा लिया आपने, अब यहाँ पे प्रसाद ले लेते हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो चलते हैं रसीद कटा के जो प्रसाद ले लेते हैं। दोस्तों ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे अगर अगल बगल में कोई गरीब भी रहता है जिसके पास अगर खाने के लिए भी नहीं है तो वो भी यहाँ पे जो है भूखा नहीं सोएगा, वो भी फ्री में यहाँ पे आके खाना खा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और कितने बार भी खा सकता है। प्रसाद लेने के लिए आपको एक रसीद कटाना पड़ता है, 20 का लो या 50 का लो या 100 का लो, आपको रसीद कटाना पड़ता है। यहाँ पे दो तरह का प्रसाद मिलता है, एक जो है लड्डू टाइप का मिलता है और एक हलवा मिलता है। और हलवा ले करके पहले आपको यहाँ पे अंदर दर्शन करना होगा और भोग लगाना होगा, भोग लगाने के बाद सामने आपको प्रसाद मिल जाता है, ये करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।